गाजीपुर में कोरोना संक्रमितों का मिलना कम नहीं हो रहा है। ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा जिस दिन कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाए जा रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर से भारी संख्या में मरीज पाए गए हैं। आपको बता दें कि आज मिले 70 संक्रमित मरीजों में से 17 तो गाजीपुर के अस्थायी जेल के बंदी हैं। एक साथ एक जगह इतने मरीज मिलना चिंता का विषय है। आइए अब आपको बाकी मरीजों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट में गोहदा विशनपुरा का एक पुरुष, उतराव के दो पुरुष, सोनबरसा का एक पुरुष संक्रमित पाए गए हैं। परसपुरा का एक पुरुष, भदुरा कासिमाबाद का एक पुरुष, मोहम्मदाबाद के मंगल बाजार का एक पुरुष, कासिमाबाद के डंडवा की दो महिला भी संक्रमित पाई गई हैं। वहीं कासिमाबाद के टोडरपुर का एक पुरुष, मोहम्मदाबाद के वार्ड नंबर 5 वकील बाड़ी का एक पुरुष, बखारीपुर मोहम्मदाबाद का दो पुरुष, एक महिला बड़सरा मसौनी भावरकोल का एक पुरुष और एक महिला संक्रमित पाए गए हैं। जुमेहद मौधा का एक पुरुष, भावरकोल के हेमारजपुर का एक पुरुष, विकास नगर का एक पुरुष, गोपालपुर सैदपुर का एक पुरुष, पुलिस लाइन के 7 पुलिस कर्मियों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा उचौरी कासिमाबाद का एक पुरुष, गहमर भभौरा के 5 पुरुष, जमानिया पीएचसी का एक पुरुष और एक महिला, शेरपुर खुर्द का एक पुरुष, मोहम्मदाबाद का एक पुरुष। आईडीबीआई बैंक के 2 कर्मचारी, रेलवे के 3 कर्मचारी, शहर के आमघाट का एक पुरुष, सदर के प्रकाश नगर सोहिलापुर का एक पुरुष, एचौली का एक पुरुष, वीरपुर की एक महिला, नोरा मर्दा का एक पुरुष, बिलहरी खानपुर की 2 महिला, वार्ड नंबर 12 इंदिरा नगर सैदपुर की एक महिला, इंदिरा नगर सैदपुर की एक महिला, कमहरिया चंदौली का एक पुरुष भी कोरोना से संक्रमित पाया गया है। जिले में रोजाना बढ़ रहे मरीजों की संख्या एक चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी अपना ख्याल रखें, बिना जरूरत बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें और कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत हेल्पलाइन से संपर्क करें। और गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।